चलिए दोस्तों, तो मनोज कम्पटेटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज का वीडियो जो है उत्तरवर्ती मुगल राजवंश से है। तो आज हम लोग करेंगे दो तीन शासक महत्वपूर्ण है, मुख्य रूप से अहमद शाह आलमगीर द्वितीय और एक और जो है शाहजहां तृतीय के नाम से प्रसिद्ध थे उनको, और मोही अल मिल्लर के नाम से भी जानते थे। तो चलिए, इससे पहले जो है हम लोग जो शासक हम लोग कर चुके हैं, प्रथम शासक जो किए थे वो किए थे बहादुर शाह प्रथम किए थे। उनका शासनकाल जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद से, यानी 1707 से जो है 1712 तक, ठीक है। फिर 1712 से 1713 तक रहे थे जहांदार शाह। फिर जो है 1713 से 1719 तक रहे थे फारूक सीयर। उसके बाद जो है 1719 में ही दो शासक आते हैं, एक जो है रफी उद दरजात और एक जो है रफी उद दौला, ठीक है। दोनों 1719 में ही आते हैं, ठीक है। फिर जो है 1719 से 1748 तक जो है शासनकाल रहता है मोहम्मद शाह। उसके बाद जो है 1748 से यहाँ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, 1748 से 1754 तक, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो के आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अहमद शाह इनका शासनकाल 1748 से 1754, ठीक है। इस समय नादिर शाह के सेनापति अहमद शाह अब्दाली भारत के पंजाब पर आक्रमण किया था। कब? तो 1748 ईस्वी में, ठीक है। अहमद शाह के समय जो है अहमद शाह अब्दाली जो है भारत पर आक्रमण किया था 1748 में, और वो भी कहां? तो भारत के पंजाब प्रांत में, ठीक है। लेकिन ये जो है असफल रहा था। क्या रहा था? असफल। लेकिन इसी के बाद जस्ट तुरंत जो है 1749 में जो है दूसरा आक्रमण करता है। देखिए उसका हम यहाँ लिखे, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का दूसरा आक्रमण जो है 1749 में करता है और वो भी पंजाब के ही खिलाफ करता है, ठीक है। और इसमें वो ये जो है सफल रह जाता है। यह जो है अहमद शाह अब्दाली जो है भारत पर जो है 7 बार आक्रमण किया था, ठीक है। 7 बार आक्रमण किया था कि कौन? तो अहमद शाह अब्दाली। यह किसका सेनापति था? तो नादिर शाह का सेनापति था, ठीक है, यहाँ पे लिख चुके हैं भी। तो देखिए, अहमद शाह अब्दाली का मूल नाम जो है अहमद खां था। अहमद शाह अब्दाली का मूल नाम अहमद खां, ठीक है। अब देखिये, अहमद शाह अब्दाली का अंतिम आक्रमण जो हुआ था वो 1767 ईस्वी में किया था। अहमद शाह अब्दाली का अंतिम आक्रमण जो है 1767 ईस्वी में था। तो याद रखिएगा, प्रथम आक्रमण 1748 में जो कि असफल रहा था, दूसरा जो है 1749 में जो ये भी पंजाब वो भी पंजाब, ठीक है, ये सफल रहा था, और अंतिम आक्रमण था 1767 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए, अहमद शाह का हत्या जो है इसके वजीर इमाद उल मुल्क ने कर दिया था। कहने का मतलब ये अहमद शाह जो थे इनका हत्या जो है इन्हीं के वजीर जो है इमाद उल मुल्क ने कर दिया था, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से, तो इस समय जो है यानी अहमद शाह के समय जो है नादिर शाह का सेनापति अहमद शाह अब्दाली आया था भारत पर, जो कि कब आया था? 1748 ईस्वी में, और वो भी भारत के कहां? तो पंजाब पर, और वह जो है असफल रहा था इस योजना में, ये आक्रमण में जो है ये असफल रहा था। इसी के बाद जो है जस्ट तुरंत जो है 1749 ईस्वी में ये आक्रमण करता है, दूसरा आक्रमण, और ये भी पंजाब के खिलाफ ही, और इसमें जो है ये विजय पाता है, ठीक है। यह नादिर शाह का सेनापति था, यह भारत पर 7 बार आक्रमण किया था। इसका मूल नाम जो था अहमद खां था। क्या था? अहमद खां। और इसका अंतिम आक्रमण जो था 1767 ईस्वी में था, और अहमद शाह का हत्या जो है इमाद उल मुल्क जो कि इनका वजीर था उन्होंने ही कर दिया था, ठीक है। इनके बाद जो है इनका उत्तराधिकारी बनते हैं आलमगीर द्वितीय, ठीक है। इनका शासनकाल जो है 1754 से 1759 तक, ठीक है। इनका मूल नाम जो था अजीजुद्दीन था। किनका? आलमगीर द्वितीय का मूल नाम जो है अजीजुद्दीन था। इनके समय जो है अहमद शाह अब्दाली जो है दिल्ली में प्रवेश किया था। कहा? तो दिल्ली में, यहां सब प्रथम आक्रमण किया था जो कि पंजाब में अहमद शाह के समय, जबकि आलमगीर द्वितीय के समय जो है अहमद शाह अब्दाली कहां प्रवेश करता है? दिल्ली के समय। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से किस मुगल शासक के समय जो है अहमद शाह अब्दाली जो है दिल्ली में प्रवेश किया था? तो
आलमगीर द्वितीय। ठीक है, अब देखिए इसके समय जो है 23 जून 1757 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था और यह युद्ध में जो है अंग्रेज अधिकारी जो था वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, ये क्वेश्चन आता है। और किनके बीच हुआ था, तो सिराजुद्दौला के बीच। तो ये दोनों क्वेश्चन है कि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच जो है युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, और 23 जून 1757 में, ठीक है, जिसमें अंग्रेज अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अब देखिए इस युद्ध के बाद से ही भारत में धन निकास का प्रारंभ हुआ था। इस युद्ध यानी प्लासी के युद्ध के बाद से ही जो है भारत से जो है धन निकास का प्रारंभ हुआ था, और इसका जो जानकारी दिए थे वो दादा भाई नौरोजी ने दिया थे। किसने दिए थे, दादा भाई नौरोजी। अब देखिए आलमगीर द्वितीय जो थे इनका भी हत्या जो है इनके वजीर कर दिया। तो देखिए कहने का मतलब ये कि यहाँ भी इनका हत्या इनका वजीर कर दिया, यहाँ भी इनका हत्या इनका वजीर कर दिया। तो यही होता है, आगे क्या होता है जो देखिए। तो चलिए एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। मूल नाम जो है आलमगीर द्वितीय का अजीजुद्दीन था। इनके समय अहमद शाह अब्दाली कहाँ प्रवेश किया था, दिल्ली में। इन्हीं के समय जो है 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, और इनके मध्य तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य। ठीक है, ये प्लासी का युद्ध जो है हम लोग डिटेल करेंगे जब बंगाल करेंगे तब। ठीक है, तो अंग्रेज अधिकारी कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। अब देखिए इसी युद्ध के बाद जो है भारत से धन निकास का प्रारंभ हो गया था, जिसका जानकारी दिए थे कौन, तो दाता भाई नौरोजी। ठीक है, और इनका हत्या जो है किनका, आलमगीर द्वितीय का हत्या जो है इनके वजीर कर दिया था। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि जब आलमगीर द्वितीय का मृत्यु होता है तब जो है इस समय क्या होता है जो हम आपको बताते हैं। इनके मृत्यु के समय जो है देखिए हम यहाँ लिख चुके हैं पूरा फाइनली रूप से। देखिए मुही अल मिल्लर ये जो है 1759 ईस्वी में शासक बने थे। थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी देते हैं। इसे यानी अली सॉरी मुही अल मिल्लर को शाहजहां तृतीय भी कहा जाता है। ठीक है, आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय अली गौहर यानी शाह आलम द्वितीय बिहार में था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय जो था वजीर के भय से अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था, पटना में। देखिए यहाँ भी इनका हत्या वजीर कर दिया था, यहाँ भी जो है इनका हत्या वजीर कर दिया था। तो यहाँ जो है ये जब इनका मृत्यु होता है आलमगीर द्वितीय का, तो इनका पुत्र थे शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय पुत्र थे और वो जो है अपने वजीर के भय से जो है वो अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाए थे, तो पटना में। ठीक है, पटना में करवाए थे। और इसी समय की बात है जिस समय जो है इनका राज्याभिषेक हुआ था, उसी समय की बात है कि इमाद उल मुल्क जो कि यहाँ वजीर हम बता चुके हैं, ठीक है, ने दिल्ली में शाहजहां तृतीय को गद्दी पर बैठा दिया। शाहजहां तृतीय को गद्दी पर बैठा दिया कौन, तो इमाद उल मुल्क। ठीक है, जैसे वो जो है वहां पटना में यानी बिहार में जो है ये राज्याभिषेक होता है किनका, अली गौहर या फिर शाह आलम द्वितीय व्यक्ति है, तो वहां जो है उनका राज्याभिषेक होता है। लेकिन दिल्ली में क्या होता है कि इमाद उल मुल्क ने शाहजहां तृतीय को गद्दी पर बैठा देता है। अब देखिए क्या होता है, अतः इस समय किस समय, आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद का समय। ठीक है, मुगल वंश में दो शासकों ने शासन किया था। ठीक है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ देगा कि इनके मृत्यु के बाद जो है मुगल वंश में दो शासकों का शासन रहा था, तो आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद। ठीक है, आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद जो है मुगल में दो शासकों का शासन रहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम आपको और क्लियर करवा देते हैं। देखिए शाहजहां तृतीय और शाह आलम द्वितीय के मध्य में संघर्ष हुआ। देखिए जब ऐसा हुआ तब जो है ये मराठा के सहयोग से शाह आलम द्वितीय जो है फिर दिल्ली पहुंचते हैं, और जब वहां पहुंचते हैं तो दोनों में संघर्ष होता है। किनके किनके में, शाहजहां तृतीय और शाह आलम द्वितीय के मध्य जब संघर्ष हुआ, जिसमें जो है शाह आलम द्वितीय जो है ये सफल हो जाता है। क्या होता है, सफल हो जाता है और वास्तविक रूप से यह जो है शासक बन जाता है, कौन, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, अब देखिए शाह आलम द्वितीय जो है मराठा की सहायता से दिल्ली पहुंचा था, जो कि हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए एक बार फिर से जो है यहां से रिपीट कर लेते हैं। क्या होता है जब अली आलमगीर द्वितीय का मृत्यु हो जाता है, तब अली गौहर जो है उस समय जो है पटना में रहता है। ठीक है, और वह जो है दिल्ली में नहीं जाता है, इसलिए
कि वजीर से उनको भय था और इसीलिए जो है वो अपना राज्याभिषेक जो है पटना में करवाता है। और वहां जो है इमादुल मुल्क जो कि वजीर थे वो जो है क्या करता है कि शाहजहां तृतीय को या फिर मोही अल मिल्लर को 1759 ईस्वी में ही जो है गद्दी पर बैठा देता है। जब होता है कहने का मतलब कि एक ऐसा स्थिति आता है कि एक ही समय जो है मुगल में दो दो शासक हो जाते हैं, ठीक है, एक जो है शाहजहां तृतीय और दूसरा जो है आपका आलमगीर द्वितीय का पुत्र अली गौहर या शाहआलम द्वितीय, ठीक है, ये दोनों शासक हो जाते हैं। तो होता क्या है जब ये बिहार से जो है मराठों की सहायता से जो है दिल्ली पहुंचते हैं तब देखते हैं कि वहां भी शासन जो है शाहजहां तृतीय का होता है, ठीक है, तब जो है दोनों के मध्य संघर्ष होता है और संघर्ष में जो है शाहआलम द्वितीय जो है विजयी हो जाता है और वह जो है वास्तविक रूप से शासक बन जाता है। तो देखिए क्वेश्चन है कि शाहआलम द्वितीय को जो है दिल्ली पहुंचाने में किन्होंने मदद किया था, तो मराठों ने, ठीक है, मराठों ने मदद किया था और उन्हीं के सहायता से जो है दिल्ली पहुंचा था, कौन, तो शाहआलम द्वितीय। तो इसके बाद जो है देखिए शाहआलम द्वितीय के बारे में हम लोग करेंगे और ये जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, तो कृपया इस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। इससे पहले मान लीजिए डायरेक्ट आप इसी वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले जो है 3-4 वीडियो हम दे चुके हैं, तो वो भी जो है चैनल पर जाकर के आप देख लीजिए, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है ये वीडियो तो कृपया जो है ये वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। दोस्तों बहुत सारा मेहनत लगता है और बहुत सारे विद्यार्थियों को हम देखते हैं कि उनके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है लेकिन उसके बावजूद नहीं पढ़ पाते हैं या नहीं रिवीजन कर पाते हैं। हमारा मकसद ये है कि जो भी पुराना विद्यार्थी हैं कम से कम एक बार जरूर देखें, इसलिए कि आपका रिवीजन हो जाए और आपका तैयारी जो है आपका अपडेट रहे। तो चलिए इसी बातों के साथ जो है हम इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।